हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बीएड में भी पढ़ना होता है। ये बहुत तरह का जो एजुकेशन है उसमें एक बुद्धिस्ट है जो कि इस्लामिक बुद्धिस्ट जैनिज्म सांख्य ये सारी चीजें जो आपको पढ़नी है उसमें एक उसका एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। So, we will start now. Introduction. Buddhist period is from 600 BC to 600 AD. मतलब ईसा से 600 वर्ष पहले से लेकर ईसा के बाद 600 वर्ष। यह एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें संस्था होती थी। संस्था से ये चलता था। Based on teachings of Gautam Buddha. Buddhist education is based on teachings of Gautam Buddha. Gautam Buddha was born in a royal family of Kapilvastu in 6th century BC. Okay? His father's name was Shuddhodan and mother's name was Mahamaya. He was married to Yashodhara. As we know, he has left his house and gone for enlightenment and got the enlightenment at Bodh Gaya. So that under the peepal tree that is known as बोधि वृक्ष। मेजर टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के महत्वपूर्ण टेनेंट्स क्या है? पहला, द टीचिंग ऑफ बुद्धा वाज मेनली ओरल, इट वाज नॉट रिटन, इट वाज ओरल, मतलब मुंह से कह के कहा गया है, सारे टीचिंग्स कहा गया है, ओरल है। बुद्धास फिलोसफी आर डिस्क्राइब्ड एज त्रिपिटकस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक का जो क्वेश्चन आता है कि बुद्धा का फिलोसफी को किस नाम से जानते हैं, तो इट इज त्रिपिटक। उसमें क्या क्या है? विनय पीटक, सुप्त पीटक एंड अभिधम पीटक। तो विनय पीटक में क्या है? रूल्स ऑफ कंडक्ट, आपके कंडक्ट के ये रूल्स बनाए गए हैं, कैसे आपको बिहेव करना है। सुप्त पीटक में बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्धा सर्मन, गौतम बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं। एंड अभिधम पीटक का मतलब है एक्सपोजिशन ऑफ फिलोसॉफिकल थ्योरीज, इसमें फिलोसॉफिकल थ्योरीज जो बुद्धा के हैं वो दिए गए हैं। ये तीनों पीटक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुद्धिस्ट एजुकेशन में व्हाट वाज द एम ऑफ एजुकेशन? एम्स ऑफ एजुकेशन है फिलोसफी का, कुछ एजुकेशन का एम होता है। तो बुद्धिस्ट का क्या एम था हमें ये देखना है। पहला था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, दूसरा था फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास, फिर शारीरिक और बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिर धार्मिक भी और आत्मिक भी विकास करना, कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड हैप्पीनेस, सोशल एफिशिएंसी को भी बढ़ाना था, और प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं भी धर्म का प्रचार नहीं था बुद्धिज्म में। बुद्धा बिलीव्स इन लॉ ऑफ कर्मा, उनका विश्वास था, बुद्धिस्ट लोग जो है, ये बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध का कहना था कि आदमी का कर्म ही उसको फिर वैसे फल भोगने होते हैं। तो ही वाज अ बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, प्रेजेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज द इफेक्ट ऑफ पास्ट कर्मा। ही बिलीव्स दैट कि अभी आप जो है, आपका जो अस्तित्व है, इट इज द इफेक्ट ऑफ पास्ट कर्मा, पास्ट में आपने जैसे काम किए थे उसी की वजह से आप वर्तमान में, आपका जो जीवन है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का है। ही बिलीव्स इन रीबर्थ, वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। बट मुस्लिम एजुकेशन डज नॉट बिलीव इन रीबर्थ, बट हिंदू फिलोसफी भी रीबर्थ पर बिलीव करता है। बुद्धिस्ट फिलोसफी डज नॉट बिलीव इन गॉड, यहाँ पर भगवान पर विश्वास लोग नहीं करते। धर्म मतलब देयर इज नो गॉड, बुद्धिस्ट फिलोसफी में जो लोग मानते हैं वो गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं। द प्लेस ऑफ गॉड इज टेकन बाय द यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। गॉड के बदला यहाँ क्या है? यहाँ कर्म है कि अच्छे काम करो तो अच्छा लाइफ, अगला लाइफ अच्छा होगा। तो यहाँ पर गॉड से ज्यादा इंपॉर्टेंस कर्म को दिया गया। गॉड को मतलब गॉड थे ही नहीं, गॉड को मानते ही नहीं थे, कर्म को मानते थे। विच गवर्न्स द यूनिवर्स इन सच ए वे दैट नो फ्रूट ऑफ एक्शन इज लॉस्ट, मतलब ये कर्म को इस तरह से मानते थे कि कोई भी आपका कर्म है जिसका कि आपको परिणाम भुगतना ही होगा, उसका फल मिलेगा ही। कोई भी आपका एक्शन अच्छा या बुरा, सबके परिणाम आपको मिलेंगे। अच्छा एक्शन का अच्छा मिलेगा, बुरा एक्शन का बुरा फल मिलेगा। अ मैन गेट्स व्हाट ही डिजर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज पास्ट डीड्स।
इसीलिए मनुष्य को वो चीज भुगतना होता है जो उसने पास्ट में किया होता है अपने कर्मों का फल। निर्वाण, इट इज द स्टेट ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड पीस विच कैन बी अटेन्ड थ्रू विजडम, गुडनेस एंड नॉलेज। निर्वाण इज द मुक्ति, जिसको कहेंगे कि जिसमें बहुत निर्वाण प्राप्त करना मतलब कि सांसारिक चीजों से ऊपर उठ जाना। सो इट इज अ स्टेट ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड पीस, वो विस्टम से, अच्छाई से और ज्ञान से प्राप्त होता है। ये बुद्धिस्ट फिलोसफी का कथन था। प्राइमरी एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन शुरू करने का एज था 6 इयर्स। 6 इयर्स में कोई भी बच्चा की पढ़ाई शुरू होती थी। चिल्ड्रन हैव टू स्टडी चिल्ड्रन बुक नेम सिद्धिरस्तु, उन्हें सिद्धिरस्तु नामक एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी, बुक पढ़ाई जाती थी पहले 6 मंथ में जब वो पढ़ाई शुरू करते थे, और जिसमें की 16 चैप्टर्स थे और 49 अल्फाबेट्स से बेट्स होते थे। सिद्धिरस्तु जो बुक थी जो बच्चों को शुरुआत में पढ़ाई जाती थी, 6 इयर्स के एज में पढ़ाई शुरू होती थी, और उसमें सिद्धिरस्तु जो बुक थी उसमें 16 चैप्टर्स एंड 49 अल्फाबेट्स होते थे। इन द बिगिनिंग चिल्ड्रन इमिटेट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीचर, आफ्टर दैट दे स्टार्ट राइटिंग, शुरू में बच्चे टीचर को इमिटेट करके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते थे और उसके बाद तब वो लिखना शुरू करते थे। टीचिंग मेथड वॉज ओरल एंड क्रैमिंग वॉज एम्फेसाइज। बुद्धिस्ट एजुकेशन में मौखिक शिक्षा दी जाती थी, ओरल शिक्षा दी जाती थी और रटना, वहां पर रटने पर जोर दिया जाता था। क्रैमिंग वॉज एम्फेसाइज। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज पाली लैंग्वेज। पाली माध्यम से भाषा क्या थी पढ़ाने का, की भाषा थी पाली। सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, व्यवस्था, शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। इन बुद्धिस्ट पीरियड स्टूडेंट्स हैव टू स्टे इन संघा और बिहार, संघ या बिहार में रहना पड़ता था उन्हें, बौद्ध बिहार जिसे कहते थे। स्टूडेंट्स हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर द टीचर टू आस्क परमिशन विच इज नोन एज पब्जा विच मीन्स टू गो आउट। मतलब बच्चों को अपने को टीचर के सामने प्रेजेंट करना होता था पढ़ाई के लिए, परमिशन लेने के लिए, तो उसे हम पब्जा संस्कार के नाम से जाना जाता था। बुद्धिस्ट एजुकेशन में पब्जा संस्कार का मतलब होता था कि बच्चे जो टीचर्स के सामने खुद को प्रेजेंट करते थे और परमिशन टू गो आउट, द बॉयज वेंट आउट ऑफ देयर फैमिलीज। पब्जा का मतलब होता था कि वो घर से अपने बाहर निकलते थे और मोनास्ट्रीज या बौद्ध विहारों को ज्वाइन करते थे और वहां वो शिक्षा पाते थे। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में बच्चे घर से बाहर निकलते थे, टीचर्स के सामने जाकर पूछते थे, घर से बाहर निकलने का परमिशन लेते थे, जिसे पब्जा संस्कार के नाम से जाना जाता था, और वो घर से फिर बाहर निकलकर मोनास्ट्रीज को ज्वाइन करते थे। ज्वाइन द मोनास्ट्रीज मतलब बौद्ध विहारों में ज्वाइन करते थे जहाँ उनकी शिक्षा होती थी। आफ्टर एडमिशन टू संघा विहार और मोनास्ट्रीज दे कुड रिमेन ए मॉन्क लिविंग देयर फॉर्मर कास्ट ड्रेस कैरेक्टर एक्सेट्रा। बुद्ध धर्म को लोगों ने बहुत तेजी से अपनाया और इसका बहुत ज्यादा प्रचार इसलिए हुआ कि यहाँ पर ना तो कास्ट था, ना ड्रेस था, ना कैरेक्टर, मतलब उनको सारा चीज अपना फॉर्मर जो होता था सब छोड़ देना होता था। यहाँ कोई भी भगवान पर बिलीव नहीं किया जाता था और जाति प्रथा नहीं थी। तो जब संघ या विहार में उनका एडमिशन हो जाता था तो वो एक मॉन्क बन जाते थे, उन्हें मॉन्क कहा जाता था, जो कि जिसको पिछले पहले के मतलब कास्ट ड्रेस कैरेक्टर से अलग होता था, मतलब वो छोड़ देता था, उनका त्याग करके वो माउंट बन जाता था बिहार में आके या संघ में आके। ऑल कास्ट वेयर अलाउड टू गेट एडमिशन इन द मोनास्ट्रीज। यहाँ पर क्या था, मुस्लिम एजुकेशन में था कि हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था शिक्षा के स्थलों पर, मतलब मदरसा में बाद में हालांकि अलाउ कर दिया गया था। और यहाँ पर क्या था कि सारे कास्ट अलाउड थे, वहां पर कास्ट सिस्टम नहीं था, बल्कि सभी लोगों को एडमिशन दिया जाता था मोनास्ट्रीज में। पब्जा संस्कार क्या होता था, मिनिमम मैंडेटरी एज फॉर एंट्रिंग विहार वॉज 8 इयर्स। कि जब आप मोनास्ट्री या विहार में एंटर करेंगे तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 8 इयर्स। द एंट्रेंस वॉज परमिटेड टू स्टूडेंट्स आफ्टर शेविंग देयर हेड्स, वेयरिंग येलो क्लोथ्स एंड रिक्वेस्टिंग द हेड मॉन्क ऑफ द संघास टू अलाउ देम फॉर एडमिशन। जब एंट्रेंस कैसे परमिशन मिलता था बिहार में या संघ में प्रवेश करने के लिए, तो स्टूडेंट को अपना
हेड को शेव कर लेना होता था, मतलब बाल नहीं होना चाहिए था, सिर के बाल हटा दिए जाते थे, पीले कपड़े पहनते थे और जो हेड मॉन्क होता था उस संघ का, उससे परमिशन लेकर वो एडमिशन लेते थे मॉन्क में, अंदर ये संघ में प्रवेश करने का एडमिशन उन्हें हेड मॉन्क देता था। द मॉन्क आस्क्ड देम टू टेक थ्री ओथ, जो हेड मॉन्क होता था वो स्टूडेंट्स को बोलता था कि तीन प्रतिज्ञा लेने को, कि थ्री वोज क्या है, आई गो टू द शेल्टर ऑफ बुद्धा, जिसको हम लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, आई सीक द शेल्टर टू धर्मा, धर्मम शरणम गच्छामि, फिर है आई एंटर द शेल्टर ऑफ संघा, मतलब संघम शरणम गच्छामि, ये संस्कृत में ये कहा जाता था और इंग्लिश में है कि आई go into the shelter of Buddha, I seek the shelter of Dhamma, Dharma, I enter the shelter of Sangha. No one could get admission without the consent of his parents. जब तक parents की सहमति न हो किसी का भी admission नहीं होता था। Patients of infectious disease, government servants, servants, slaves and soldiers were not allowed to be admitted in the Sangha. Sangha में किसका किसका admission नहीं होता था? तो जिनको इन्फेक्शियस या संक्रामक रोग होते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते थे उनको नहीं अलाउड था, जो दास होते थे, स्लेव्स होते थे, और सैनिकों को संघ में प्रवेश नहीं किया दिया जाता था, एडमिशन नहीं होता था उनका। रूल्स ऑफ स्टूडेंट्स क्या था, स्टूडेंट को बहुत सारे रूल फॉलो करने होते थे, तो जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता था, जो संघ में प्रवेश कर जाता था, उन्हें सामने कहा जाता था, सामने, ये सामने, they had to follow the following rules. तो ये सामने के लिए क्या क्या rules थे, not to kill any living being, किसी भी जीवित को मारना नहीं था, चाहे वो insect हो चाहे कुछ हो, not to accept anything given to him, उनको कुछ भी दिया जाए तो उन्हें accept नहीं करना होता था, live free from impurity of character, चरित्र की पवित्रता को उनको maintain करना होता था, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना था जो कि उनके कैरेक्टर में इंप्योरिटी लाए, अपवित्र करे, नॉट टू टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना था, नॉट टू यूज एनी इंटॉक्सिकेटिंग थिंग, कोई भी नशा की चीजें उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी थी, नॉट टू टेक फूड इन इन प्रॉपर टाइम, किसी भी समय खा लें ऐसा नहीं था उनके लिए, खाने का टाइम फिक्स होता था और वो उसी टाइम में खाते थे, किसी भी समय में खा नहीं सकते थे, नॉट टू स्पीक इल ऑफ एनीबॉडी, किसी के लिए बुरा नहीं करना था, नॉट टू टेक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, डांस, प्ले शो एटसेट्रा, छात्रों को जो भी सामने होते थे उन्हें म्यूजिक, डांस और प्ले शो में इंटरेस्ट नहीं लेना होता था, नॉट टू यूज लग्जूरियस एंड सेंटेड थिंग्स, जो कोई भी विलासिता की वस्तु या कोई सुगंध या परफ्यूम उन्हें यूज नहीं करना होता था, नॉट टू एक्सेप्ट द गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, उन्हें सोने और चांदी के गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट नहीं करने होते थे, सारे रूल्स उनको फॉलो करने होते थे, 10 रूल्स जो थे वो, द 10 रूल्स वर एसेंशियली ऑब्जर्व्ड बाय द न्यू मॉन्क, टीचर वॉज कॉल्ड उपदस्य, ये 10 रूल उनको फॉलो करना होता था, और जो टीचर होते थे संघ में या बिहार में उन्हें उपदस्य कहा जाता था, took all the responsibilities of students up to the age of 20 years, वे सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी उपदस्य की, जो सभी बच्चों को 20 साल तक जब बच्चे हो जाते थे तब तक उनकी देखभाल करते थे और उनकी जिम्मेदारी लेते थे, when they become mature and capable of उपसंपदा, जब वो बड़े हो जाते थे और उपसंपदा संस्कार के योग्य हो जाते थे, उपसंपदा क्या है, उपसंपदा संस्कार होता था जब बच्चे 12 साल के एक पढ़ाई के बाद 8 साल में घुसते थे और उसके बाद 12 साल की पढ़ाई करने के बाद जब वो 20 साल के होते थे, एट द एज ऑफ 20 इयर्स द मॉन्क हैड टू अंडरगो अ रिचुअल उपसंपदा, तब उन्हें जो मॉन्क हेड मॉन्क होता था वो एक रिचुअल करते थे जिसे उपसंपदा कहा जाता था, एंड देन ही बिकेम द परमानेंट मेंबर ऑफ संघ, फिर उपसंपदा के बाद वो जो छात्र होता था वो मॉन्क के वो संघ का परमानेंट मेंबर हो जाता था, बट ओनली दोज मॉन्क्स हु हैड एनफ ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज वेयर टेकन टू संघ, सभी बच्चों को संघ में नहीं रखा जाता था, जिनको ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता था उन्हीं को संघ में रखा जाता था, बाकी लोगों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति मिलती थी। अब टीचर की क्या ड्यूटी थी, भिक्षुज वेयर टीचर्स भिक्षु जो होते थे वो टीचर होते थे, दे मस्ट हैव स्पेंड 10 इयर्स एज मॉन्क, वो कौन से होते थे जो भिक्षु कहलाते थे,
जो 10 साल मॉन्क के रूप में रह चुके हैं संघ में या बिहार में, और मस्ट हैव द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, थॉट एंड जेनरोसिटी, जिनके पास कैरेक्टर की पवित्रता हो, थॉट की पवित्रता हो और उदारता हो. ही मस्ट हैव हाई मेंटल ऑर्डर सो दैट ही माइट टीच हिज स्टूडेंट्स द रिलीजन एंड नोबलनेस. वो उसका मेंटल पावर हाई होता था हो ताकि वो बच्चों को धर्म और अच्छाई की शिक्षा दे सके. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ टीचर, आचार्य एंड उपाध्याय. दो तरह के टीचर होते थे, आचार्य और उपाध्याय. आचार्य कौन होते थे? जो कि आचार्य में एडमिट नंबर ऑफ पीपल हु वुड हैव टू लिव विद हिम एट हिज ओन हाउस फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 12 इयर्स. अब आचार्य जो होते थे वो ऐसे बच्चों को एडमिट करते थे जो कि कम से कम 12 साल उनके साथ उनके घर में रहे और उन्हें कोई फीस नहीं लेनी होती थी. आचार्य को कोई फीस नहीं मिलता था और बच्चों को वो 12 साल तक अपने घर में रहते थे. उपाध्याय के किसे कहा जाता था? उपाध्याय एडमिट्स द स्टूडेंट्स एंड इम्पार्ट्स इंस्ट्रक्शन ऑन पेमेंट ऑफ फीस. मतलब आचार्य बिना फीस लिए पढ़ाते थे, उपाध्याय पढ़ाते थे लेकिन फीस लेकर पढ़ाते थे. उपाध्याय को फीस मिलती थी या स्टूडेंट्स को पेमेंट करना पड़ता था उपाध्याय को. हिज पीपल्स वेयर टू स्टडी अ पार्ट ऑफ वेदास एंड फॉर ए टेम्पररी टाइम. तो ये बच्चों को वेद की शिक्षा देते थे. टीचर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर्स की जिम्मेदारी होती थी कि वो बच्चों को सही शिक्षा दें, उचित शिक्षा दें. ही हैड टू वर्क, ही हैड टू लुक आफ्टर देयर नीड्स अफेक्शनेटली. प्यार से बच्चों का की देखभाल भी करनी थी, उन्हें अपने साथ रखना था. टीचर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. शिक्षक रिस्पॉन्सिबल होते थे कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो. ही हैज टू लुक आफ्टर एट द टाइम ऑफ सिकनेस. बच्चे बीमार पड़े तो शिक्षक को भी उसकी सेवा करनी होती थी, देखभाल करनी होती थी. टीचर्स वेयर वेरी क्लोज अफेक्शनेट गुड एंड प्योर. यहाँ पर बुद्धिस्ट एजुकेशन के टीचर्स जो होते थे वो बहुत बच्चों से क्लोज होते थे, अफेक्शनेट होते थे और अच्छे होते थे. डेली रूटीन ऑफ डिसाइपल्स, छात्र होते थे उनके क्या रूटीन थे? पहला, रेगुलर सर्विस ऑफ गुरु वाज एसेंशियल. गुरु की रोज सेवा करनी होती थी. इन द मॉर्निंग स्टूडेंट्स वुड अरेंज फॉर वाटर, लुक आफ्टर टीचर्स मील्स. वो सुबह टीचर के लिए पानी का इंतजाम, वाटर का अरेंजमेंट करते थे. बाहर से पानी लाते थे, नदियों से या जो भी जहाँ से भी हो, और उनके भोजन का ध्यान रखते थे. ही वुड कुक द फूड, फीड द टीचर एंड क्लीन द यूटेंसिल्स. खाना बनाना, खिलाना और बर्तन साफ करना होता था छात्र को. ही वुड हैव टू गो भिक्षा मांगने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था. ही हैज टू कीप द प्लेस टाइडी. जगह को साफ सुथरा रखना होता था. ही कुड नॉट गो एनीवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर. बिना टीचर के परमिशन के वो कहीं नहीं जा सकते थे. स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? जो संघ था, जो बिहार था जहाँ बच्चे पढ़ते थे, ऑल द एजुकेशनल स्कीम्स वेयर कंडक्टेड बाय सरदार सिचुएटेड इन मोनास्ट्रीज एंड बिहार. संघ जो थे वो मोनास्ट्रीज में होते थे और बिहार में होते थे, और उनका सारा स्कीम जो था वो संघ के द्वारा चलता था. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेयर बेस्ड ऑन फेडरल सिस्टम. फेडरल सिस्टम को संघीय व्यवस्था होती थी, मतलब सेंटर पे कोई होता था, उसके बाद फिर उसके नीचे लेवल पर भी व्यवस्था थी मैनेजमेंट की. टीचर एंड टॉट लिव टुगेदर इन बिहार एंड मोनास्ट्रीज. बिहार और मोनास्ट्री में टीचर और स्टूडेंट साथ रहते थे. देयर वर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. मतलब क्या था? वहाँ कास्ट का कोई बार नहीं था, सभी लोगों को इक्वल चांस दिया जाता था, इक्वलिटी थी, इक्विटी थी. तो सारे ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो डेमोक्रेटिक था, सबको मौका दिया जाता था, सब इक्वल थे. द गेट्स ऑफ संघा वेयर गार्डेड बाय द स्कॉलर्स कॉल्ड द्वार पंडित. जो संघ का गेट होता था उस पर द्वारपाल के रूप में कौन होते थे? वो भी स्कॉलर्स होते थे, उन्हें द्वार पंडित कहा जाता था. One learning bhikshu was appointed head of the educational institution. एक विद्वान भिक्षु वहाँ institutions का head कहा जाता था या उसकी appointment होती थी as a head of the institution. There was no external interference in the administration of sangha. संघ के एडमिनिस्ट्रेशन में बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था. अब करिकुलम क्या था, क्या पढ़ाई की व्यवस्था थी? बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज मेनली रिलीजियस एंड इट्स एम वॉज टू अटेन निर्वाणा.
क्या था, धार्मिक था, बुद्ध के शिक्षा को ग्रहण करना था, उनके सारी शिक्षाओं को मानना था, उनके नियम को मानना था और निर्वाण प्राप्त करना था। बुद्धिस्ट फिलोसफी बिलीव्स दैट वीमेन वेल्थ एंड ऑर्नामेंट्स आर द रियल बाइंडिंग, सो ओनली दोस कैन अचीव सल्वेशन हु लिव्स नॉन अटैच्ड लाइफ लाइफ। मोन का क्या होने का कि सब चीज छोड़ के वो फैमिली में प्रवेश करता था, कास्ट रेस और प्रीवियस लाइफ को, तभी वो मॉन्क बनता था। और बुद्धिस्ट फिलोसफी का कहना था कि विमेन वेल्थ एंड ऑर्नामेंट्स क्या है, बंधन है जीवन के, तो जो इनको छोड़ देता है और इनसे लगाव नहीं रखता वही सल्वेशन या निर्वाण प्राप्त कर सकता है। द करिकुलम वाज रिलीजियस विच इंक्लूडेड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड धर्मशास्त्र। करिकुलम जो था यहाँ वो धार्मिक था और इसमें बुद्ध के टीचिंग्स और धर्मशास्त्र और सूत्र विनय और धम्म पीटक सम्मिलित थे। तीनों पीटक जो थे बुद्ध के, वेदास, पुराण, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वेदांत, मेडिसिन, मैजिक, आयुर्वेद, पॉलिटिक्स, कल्चर, यहाँ इस छूट गया, मैथमेटिक्स वेयर इंक्लूडेड इन द करिकुलम फॉर जनरल स्टूडेंट्स। तो सामान्य स्टूडेंट्स थे, उनको ये सारी चीजों की, सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वेद, पुराण, ग्रामर, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, वेदांग, मेडिसिन, मैजिक, आयुर्वेद, पॉलिटिक्स, कल्चर, मैथमेटिक्स, ये सब सिखाए जाते थे। द नॉलेज ऑफ संस्कृत वाज नेसेसरी फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था। द स्टडी ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्स, आर्चरी, स्नेक चार्मिंग वॉज ऑल्सो देयर, वहाँ आती घोड़े, धनुष चलाना, स्नेक सांप, सवेरों की शिक्षा दी जाती थी। द बोथ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन वेयर इंक्लूडेड, वहाँ पर सांसारिक चीजों की भी शिक्षा दी जाती थी और आध्यात्मिक चीजों की भी। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या था, मेथड्स ऑफ टीचिंग वर बेस्ड ऑन ओरल डिस्कशन, मौखिक डिस्कशन होता था, फिर उपदेश दिए जाते थे, प्रीचिंग होता था, रिपीटेशन, जो टीचर बोल रहे हैं उसको रिपीट करना, क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग वॉज ओरल, तो रिपीट करके लोग याद करते थे, डिबेट्स होते थे, जो कि टीचिंग और लर्निंग का टेक्निक होता था। उसमें क्या क्या टेक्निक थे, ओरल डिस्कशन, प्रीचिंग, रिपीटेशन एंड डिबेट्स। सेमिनार्स आल्सो कंडक्टेड टू डिस्कस द मेजर इश्यूज, पर सेमिनार होते थे। मेंटल एंड मॉरल डेवलपमेंट वॉज एम्फेसाइज्ड टू अटेन बोधिसत्व, बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए मेंटल और मॉरल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया जाता था। Although art of writing was developed, but due to shortage of writing material, the method of teaching was verbal. लिखना शुरू हो गया था, लिखने का आविष्कार हो गया था, परंतु ये उनकी सामग्री, लेखन सामग्री की कमी के कारण ज्यादातर verbal पढ़ाई होती थी, मौखिक पढ़ाई होती थी। The method of teaching where question answer method था, जिसमें teacher question answer करके बच्चों को पढ़ाते थे, discussion करते थे, फिर logical arguments, फिर टूर भ्रमण के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कॉन्फ्रेंस होता था पूर्णिमा के दिन और फर्स्ट डे ऑफ मंथ, मेडिटेशन इन सॉलिट्यूड, ये सब मेथड से पढ़ाई होती थी। मेडिटेशन से भी ज्ञान होता था, चिंतन मनन करके जो पढ़ाया जाता था, जो टीचर बोलते थे उसको लोग मेडिटेट करके याद करते थे। और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस होता था, वो कॉन्फ्रेंस होता था पूर्णिमा के दिन और फर्स्ट मंथ ऑफ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अदर मेथड ऑफ टीचिंग वाज एविडेंसेस विच योर थ्योरी कॉज, एग्जांपल, कॉन्ट्राडिक्शन, एविडेंस, आर्गुमेंट एंड इंडक्शन। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज ज्यादातर पाली में शिक्षा होती थी। द सेंटर ऑफ एजुकेशन वेयर तक्षशिला, नालंदा एंड काशी, ये सेंटर थे, तक्षशिला, नालंदा और काशी, ये आपको याद रखना होगा कि बुद्धिस्ट एजुकेशन का सेंटर कहाँ था, तक्षशिला, काशी और नालंदा। शुरू में विमेन एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ था बुद्धिस्ट एजुकेशन, उस समय विमेन आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, वहाँ उनकी एंट्री नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था विमेन के आने से ये मोनास्ट्री या संत का माहौल बिगड़ जाएगा। बट आफ्टर द रिक्वेस्ट ऑफ डिसाइपल, जो बुद्ध के डिसाइपल थे, शिष्य थे आनंद, बुद्धा अलाउड विमेन टू एंटर द संघ।
तो बुद्ध ने अलाउ किया, भिक्षु आर नॉट परमिटेड टू गिव एजुकेशन टू वेमेन इन अलोन, अकेले में स्त्री को शिक्षा भिक्षु लोग टीचर लोग नहीं दे सकते थे। वीमेन वेयर कंसिडर्ड इंफीरियर टू मेन, उस समय महिलाओं को मेन से इंफीरियर माना जाता था। जनरल वीमेन आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन व्यवसायिक शिक्षा। भिक्षु वेयर गिवन वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, स्टिचिंग ऑफ क्लोथ एक्सेट्रा। उसमें हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारी शिक्षाएं जिसमें की बुनाई सिलाई ये सारी होती थी। उसके अलावा क्या क्या और वोकेशनल एजुकेशन था, व्यवसायिक शिक्षा में क्या क्या शामिल थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री वेयर ऑल्सो टॉट। यहाँ पर यू मिसिंग है। एडुकेशन इन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग हेल्प द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज। आपने देखा होगा मोनास्ट्रीज बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। बोध गया का मोनास्ट्रीज जिसने देखा होगा उन्हें पता होगा ये बहुत अच्छी मोनास्ट्रीज कंस्ट्रक्शन होते हैं। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और स्कल्पचर बने होते हैं। आर्किटेक्चर वहाँ का बहुत बढ़िया होता है, बहुत ब्राइट, बहुत वाइब्रेंट होता है। एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज द गिफ्ट ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड चरक धन्वंतरी वेयर द ग्रेट आयुर्वेदा आचार्य। मतलब मेडिकल साइंस का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था बुद्धिस्ट पीरियड में, और चरक और धन्वंतरी जैसे ग्रेट आयुर्वेद के आचार्य जो थे उसी समय हुए थे। दी मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन का डिमेरिट क्या था, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिस्ट। पहला वीकनेस ऑफ कंट्री, क्योंकि ये अहिंसा पर जोर देता था इसलिए कंट्री कमजोर हो गया और बाहर के लोग आक्रमण करना शुरू किए। हेट्रेड फॉर हैंडवर्क, नेगलेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन, नेगलेक्ट ऑफ वर्ल्डली लाइफ, सन्यासियों का लाइफ बना दिया गया, सारी चीज को छोड़ दिया गया, इससे वर्ल्डली लाइफ से लोग विमुख हो गए। लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है, तो प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन बुद्धिस्ट शिक्षा में ही आया। बुद्धिस्ट एजुकेशन ने व्यावसायिक शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन ऑफ वर्ल्डली सब्जेक्ट्स, जिसमें कि आप आगे एग्रीकल्चर और ये सारा सब्जेक्ट जो आया जिसमें वोकेशनल एजुकेशन आया, इसके अलावा आपका मेडिकल साइंस आया, ये सारी चीजों की पढ़ाई हुई। एनकरेजमेंट टू लोकल लैंग्वेजेस, पाली वगैरह लैंग्वेज का विकास हुआ। प्रोविजन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, बच्चों को 6 इयर्स में एंट्री किया गया। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर क्या है कि प्रजातांत्रिक तरीके से सबों को समान अवसर दिया गया। सेंटर फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, इसमें बुद्धिस्ट एजुकेशन में दूर दूर देशों में इनका प्रसार भी हुआ और बाहर से लोग भी आए। दैट्स ऑल अबाउट बुद्धिस्ट एजुकेशन। थैंक यू।